ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर और पूर्व मेयर प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने सभी क्षेत्रवासियों, समस्त पार्टीजन और समस्त देशवासियों को प्रकाश पर्व दीपावली की मुबारकबाद पेश करते हुए बुराई पर अच्छाई की जीत के इस पर्व को प्यार मोहब्बत, आपसी भाईचारे, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक सहिष्णुता और गंगा जमनी तहजीब के साथ मनाने की अपील की है। हाजी रिजवान कुरैशी 26 अक्टूबर की दोपहर को भूड़े का चौराहा प्रिंस रोड मुरादाबाद स्थित अपने कैंप ऑफिस में सिटी चैनल 24 के साथ बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उनके दफ्तर में बब्बन खां, परवेज खां, यामीन चौधरी, सालिम खां, हाजी जावेद अख्तर, मोहम्मद मुसव्विर, शाहबाज खां, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद शमीम और राशिद ठेकेदार वगैरह भी मौजूद रहे। AICC के मेंबर अलहाज रिजवान कुरैशी ने हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ने पर दोनों प्रदेशों की जनता को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हकीकत में हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने वहां की भाजपा सरकारों को आईना दिखाने का काम किया है। अलहाज रिजवान कुरैशी ने दीपावली की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं दिल की गहराइयों से अपने पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, मुरादाबाद की टीम का और मुरादाबाद जिले की, प्रदेश की और देश की समस्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मेरे भाई बहनों का मेरी ओर से इस बुराई पर जीत, अच्छाई की जीत के त्यौहार का मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और एक गुजारिश करना चाहूँगा अपने सभी भाई बहनों से कि इस बार चाइनीज़ झालरों का विरोध करें, चाइनीज़ सामान का विरोध करें, कोशिश करें जो दिए जलाए जाएं वो अपने हिंदुस्तानी भाइयों के हाथों के बने हों, और जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति जो ख़राब चल रही है, जो भी हालात देश के आर्थिक हो गए हैं उसमें बेनिफिट मिल सके। अभी हाल ही में दो विधानसभा चुनाव हुए महाराष्ट्र और हरियाणा में और उसमें कांग्रेस का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। आप AICC के मेंबर हैं, क्या रुझान इससे आपको महसूस होता है, बराए मेहरबानी बताएं। देखिए, इसमें दोनों सूबों में BJP की सरकार चल रही थी और ये बदनसीबी कहूँगा बल्कि फिटकार कहूँगा BJP पर कि 8 मंत्री हरियाणा के उनके लड़ रहे थे जिसमें से 7 हार गए 10 मंत्रियों में। उस स्थिति में BJP को चाहिए अपनी समीक्षा करें और जो देश की आर्थिक स्थिति इस वक्त ख़राब हो रही है उसके पूरी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार है। इसके लिए मैं दोनों सूबों की जनता को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया।